मुरादाबाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद पाल व महिला सेवा दल की प्रभारी चौधरी रिया का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद पाल व महिला सेवा दल की प्रभारी चौधरी रिया आज मुरादाबाद पहुंची, जहां मुरादाबाद पहुंचने के बाद सिविल लाइन के जिगर कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सगीर सईद के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद सेवा दल की महिला प्रभारी चौधरी रिया ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सेवा दल की पहली प्राथमिकता महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की है। उसके बाद जो देश प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, उन मुद्दों पर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सगीर सईद ने बताया कि आज कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद पाल व महिला प्रभारी चौधरी रिया आज मुरादाबाद पहुंचे हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों प्रभारी संगठन को मजबूत करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। साथ ही यह निर्णय भी लिया जाएगा कि कांग्रेस सेवा दल को यहां से चुनाव लड़ाया जाए या नहीं, और संगठन को मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सेवा दल मुझे मुरादाबाद का प्रत्याशी बनाती है तो मैं जरूर मुरादाबाद से चुनाव लड़कर मुरादाबाद की जनता की सेवा करूंगा, क्योंकि काफी समय से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूं। काफी मेहनत और कुर्बानियां भी मैंने कांग्रेस के लिए दी हैं, और मुरादाबाद की जनता भी है चाहती है कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ूं। मैं बता देता हूं मेरा अपना खुद का परिचय। मैं अरविंद पाल हूं और मैं दिल्ली से भेज हूं, और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल से मुझे यहां का प्रभारी नियुक्त किया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपने जो पूछा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा जो है आज हम संगठन के लिए ही सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, संगठन के लोगों से मिलने के लिए आए हैं कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए आए हैं। अभी मेन मुद्दा सिर्फ संगठन की बात है और कुछ नहीं है। जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं हम इनसे मिलने आए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, कैंडिडेट उतारने का तो सेवा दल का काम नहीं है, कैंडिडेट जो उतारने का काम है कांग्रेस पार्टी हमारा हाईकमान देखेगा वो कितने लोगों को कितने कैपेबल लोग हैं उनको उसी हिसाब से टिकट दिया जाएगा। ये हमारा कांग्रेस सेवा दल का काम नहीं है। कांग्रेस सेवा दल का काम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है कि हमें जन आधार किस प्रकार मजबूत करना है, वो हम करने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, गठबंधन का काम भी देखिए वो हमारा अभी कहना बेमानी हो जाएगा। गठबंधन बहुत बड़ी दूर की बात है, अभी क्या होता है क्या नहीं होता अभी समीक्षाएं चल रही हैं। आगे हाईकमान देख रहा है कि उन्हें क्या करना है। अब वो चाहते हैं गठबंधन करना नहीं चाहते हैं वो उनके ऊपर बात है। कांग्रेस सेवा दल का काम है सिर्फ निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर काम करना। जी देखिए, जो धर्मांतरण धर्माया आप कह रहे हैं, जो भरमाया हुआ रास्ता चल रहा है इस समय, वो उन लोगों की सोच है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है वो कांग्रेस क्या कहती है कि सर्वधर्म एक है, तो हम लोग तो सब लोग भारतीय हैं, बाकी जो लोग जो कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। देखिए अभी तो सिर्फ हम लोग अगर संगठन की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संगठन जम्मू कश्मीर की बात है वो बाकी वो लोग जाने, या हम उनके बारे में अभी क्या कह सकते हैं। देखिए वो किसी की सुन नहीं रहे, बाकी आप लोग खुद मीडिया इतनी पावरफुल है कि आप क्या चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ, जन की आवाज़ आप लोग ही हमसे ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। सर महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है? महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बढ़ी हुई है, कि हाहाकार मचा हुआ है। किस तरह से रोक लगाएगी, किस तरह से रोक लगा जाएगी, सरकार को बदल दीजिए रोक लग जाएगी अपने आप पहले भी देख रहे थे किस तरह से काम हो रहा था। ये तो आप लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है कि उसने कितनी महंगाई लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। जी ये आपका साहब जिला और शहर संगठन जो कांग्रेस सेवा दल का, क्या मजबूत है मुरादाबाद में? आपने कुछ ऐसा देखिए मजबूत है तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, सगीर सईद खान मजबूत है मुरादाबाद में, संगठन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सगीर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संगठन के लिए आया हूँ। सगीर साहब आज की मीटिंग में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रभारी आए हुए हैं, माननीय अरविंद पाल जी जो राष्ट्रीय प्रभारी है कांग्रेस सेवा दल के, और माननीय चौधरी रिया जी जो महिला कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय पदाधिकारी है, राष्ट्रीय हमारे प्रभारी है, वो यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, और खासकर ये भी देखने आए हैं क्या कांग्रेस सेवा दल को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल फ्रंटल संगठन है, और कांग्रेस सेवा दल के जो अध्यक्ष होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते हैं, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होता है, और जो जोन का अध्यक्ष होता है वो अपने जोन के पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होता है। तो वो लोग सब यहाँ देख रहे हैं, नज़र लगी हुई है कि मुरादाबाद में उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस सेवा दल मजबूत है, इसलिए कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से उतारा जाए। लेकिन उससे पहले ये लोग संगठन मजबूत करने आए हैं,
हो सकता है संगठन को इतनी मजबूती दे दे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सेवा दल बहुत आगे बढ़कर यहाँ पर जनता की सेवा करे, विकास में हिस्सा ले और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अपना सहयोग करे। कांग्रेस सेवा दल से अगर आपको मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कैसे करेंगे? अगर जनता चाहेगी कि वो मुझे प्रत्याशी बनाए, मुझसे हजारों हजारों लोग आके कह भी रहे हैं कि भाई आपको इतने साल हो गए और आप आखिरी उम्र की तरफ चल रहे हैं, अब आपको एक बार कांग्रेस को टिकट दे देना चाहिए। आपको 30 साल मेहनत करते हुए हो गए, गिरफ्तारी देते हुए हो गए, सम्मेलनों में जाते हुए हो गए, फिर शिक्षिका शिविर में जाते हुए हो गए, आपको धरने प्रदर्शन में गिरफ्तारियाँ करते हुए देखते रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा भाई आपको आगे आना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, आप चुनाव लड़ें। तो अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं ज़रूर उनके आदेश का पालन करूंगा, और पार्टी ने मौका नहीं दिया तो जो पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसका तन मन धन से चुनाव लड़ेगा। अगर आपको कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद से हटकर किसी और कहीं सीट का मौका देती है तो आप एक्शन करेंगे? मैं तो उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस सेवा दल का, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी लड़ाना तो मैं लड़ने को तैयार। सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार की नीतियाँ तो बहुत गलत नीतियाँ हैं, आपने देखा पिछले दिनों ना तो वैक्सीन थी ना ऑक्सीजन थी और हालात इतने ख़राब हो गए, पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तेल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सरसों के तेल के दाम कहाँ पहुँच गए, आटे के दाम, चावल के दाम कहाँ पहुँच गए, ब्लैक मेलिंग हद से ज़्यादा हो रही है, पूरे प्रदेश में ब्लैक हो रहा है हर चीज़ का, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।